वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। अर्थात घुमावदार सूंड वाले विशालकाय शरीर वाले करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली हे प्रभु, हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरा करने की कृपा करें। तो राधे राधे मित्रों, सावन का महीना है, भोले बाबा के पूजन का विशेष विधान है और इस महीने में भोले बाबा के पूजन के साथ ही साथ भोले बाबा के पूरे परिवार का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। और इसी परंपरा में 4 अगस्त 2019 को यानी कि आज है सावन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। दोस्तों, इसे विनायकी चतुर्थी और दूर्वा गणपति का व्रत भी कहा जाता है। दूर्वा गणपति व्रत इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन गणपति को दूर्वा चढ़ाना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, गणपति जी के पूजन से हमारे जीवन में हर प्रकार के विघ्नों का नाश होता है, हर प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। गणपति के शरीर पर ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मांड से जुड़े सभी अंग निवास करते हैं। गणपति की सूंड पर धर्म विद्यमान है, कानों में रचाएं, दाएं हाथ में वर, बाएं हाथ में अन्न, पेट में समृद्धि, नाभि में ब्रह्मांड, आँखों में लक्ष्य, पैरों में सातों लोक और मस्तक पर ब्रह्मलोक विराजित है। गणपति के सामने से दर्शन करने पर ये भी सभी सुख प्राप्त होते हैं, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, गणपति के पीठ के दर्शन कभी भी मत करिएगा क्योंकि पीठ में दरिद्रता का वास होता है, इसीलिए पीठ के दर्शन करने से अशुभ फल हमें मिलते हैं। इसलिए अगर कभी गलती से भी गणपति के पीठ के दर्शन हो जाए तो उनसे क्षमा याचना जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूर्वा गणपति वाले दिन यानी कि विनायक की चतुर्थी के दिन हमें किस प्रकार से गणपति का पूजन करना है, किन मंत्रों का प्रयोग करना है, तो चूंकि रविवार और चतुर्थी का योग है, इस दिन सबसे पहले तो सूर्यदेव का भी विशेष पूजन आपको करना चाहिए। इस दिन सुबह उठ करके सूर्यदेव को तांबे के लोटे में चावल, लाल फूल डाल करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। जल अर्पित करते समय सूर्यदेव के मंत्रों का भी आपको अवश्य प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद आपको गणपति का पूरे विधि विधान के साथ कुडशोपचार पूजन करना चाहिए। उनको जनेऊ अर्पित कीजिए, अबीर, गुलाल, चंदन, सिंदूर, इत्र आदि चढ़ाइए, सभी पूजन सामग्रियां उनको चढ़ाइए। और इसके बाद आपको गणपति को दूर्वा की 21 गांठें इस दिन जरूर चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, दूर्वा गणपति का व्रत बहुत विशेष होता है। इस दिन दूर्वा की 21 गांठें चढ़ाने से बहुत ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में हर प्रकार के संकटों का निवारण होता है। तो ये 21 गांठें आपको किस प्रकार चढ़ानी चाहिए, ये 21 गांठें यद्यपि आप सामान्य तरीके से यदि आप ओम गम गणपतये नमः बोलते हुए 21 गांठें चढ़ा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होगा अगर आप गणपति के 21 नामों के साथ ये 21 दूर्वा गांठें चढ़ाएं। यानी हर नाम के साथ एक दूर्वा गांठ आपको अर्पित करना है गणपति पर। नाम कुछ इस प्रकार है, ओम सुमुखाय नमः, ओम गणाधीशाय नमः, ओम उमा पुत्राय नमः, ओम गज मुखाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम हर सूनवे नमः, ओम शूर्प कर्णाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम गुहाग्रजाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम हेरंबाय नमः, ओम चतुर्होत्रे नमः, ओम सर्वेश्वराय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम हेमतुंडाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम कटवे नमः, ओम भालचंद्राय नमः, ओम सुराग्रजाय नमः, ओम सिद्धि विनायकाय नमः। तो इन 21 नामों के साथ आप 21 दूर्वा की गांठें गणपति को अर्पित जरूर कीजिए। इसके बाद लड्डुओं का भोग लगाइए। लड्डू और मोदक गणपति को बहुत प्रिय हैं, तो इनका भोग आपको जरूर लगाना चाहिए। इसके पश्चात कपूर से आरती कीजिए और प्रसाद का वितरण कीजिए। गणेश चतुर्थी का व्रत करने वाले व्यक्तियों को शाम को चंद्रमा का दर्शन जरूर करना चाहिए और पूरे दिन गणपति के मंत्रों का जाप भी आपको अवश्य करना चाहिए।
दोस्तों, दूर्वा चढ़ाने के क्या विशेष नियम होते हैं गणपति के, ये जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे लिंक में जाकर के देख सकते हैं। और ये मंत्र जो अभी हमने यहाँ पर आपको बताए हैं, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप गणपति को दूर्वा अर्पित करते हैं तो इससे जीवन में आने वाले सभी प्रकार के संकट, सभी परेशानियों का अंत होता है। शाम के समय आपको फिर से गणपति का पूजन करना है, मंत्रों का जाप करना है, उनसे क्षमा याचना करनी है कि अगर पूजन में आपसे कुछ भी गलती हुई है तो जानी अनजानी भूलों के लिए गणपति आपको क्षमा करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें दूर्वा गणपति का व्रत जरूर करना है। एक चीज और, जो दूर्वा गणपति का व्रत कर रहे हैं या विनायक चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं तो इस व्रत में फलाहार, पानी, दूध, फलों का रस आदि का सेवन किया जाता है। दिन भर भगवान का ध्यान करें और किसी भी प्रकार के तामसिक विचारों और तामसिक कर्मों से जरूर बचकर रहें। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।